हेलो एंड वेलकम बैक और एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज if a plus b plus c equal to 0 then prove that a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 is equal to 2 into a square b square plus b square c square plus c square a square is equal to half of a square plus b square plus c square whole square। मतलब ये तीन पार्ट है क्वेश्चन में। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। दैट मीन्स ऑल थ्री पार्ट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये प्रूव करना है तो पहले जो गिवन कंडीशन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। अब अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी होल स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू माइनस सी होल स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर। तो हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो सी स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे और ये जो 2ab टर्म है इसको राइट साइड में लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab। अब हमें प्रूव करना है ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4 ये एक्सप्रेशन लाना है। अब इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इसको और एक बार होल स्क्वायर करना है। तो इसका अगर फिर से होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab होल स्क्वायर। तो इसको अगर एक्सपांड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो फर्स्ट ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है तो ये हो गया प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तब बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव। सो माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये भी ऑपोजिट साइन है, सी स्क्वायर नेगेटिव और ए स्क्वायर पॉजिटिव। तो ये भी हो जाएगा माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ ये हो गया, ये तीन टर्म को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये तीनों टर्म को राइट साइड में लेके आते हैं। तो ये ऑलरेडी है तो इसको लिख लेते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड एज यूजुअल a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज ये हो गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां से मिला a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये तीनों टर्म से 2 कॉमन जाएगा तो 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट और सेकंड हो गया प्रूव। अब हमें प्रूव करना है आइदर फर्स्ट इक्वल टू थर्ड और सेकंड इक्वल टू थर्ड, दोनों में से कोई एक प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा। तो उससे पहले मैं इसको नंबर 1 देके छोड़ता हूं, ये नंबर 1 दे दिए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इसको बॉक्स में डाल देते हैं, ये बॉक्स कर देते हैं, ये एक पार्ट प्रूव हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ इसके बाद क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इसको लिखते हैं। तो नाउ थर्ड पार्ट दैट इज हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर स्क्वायर ऑलरेडी वन में हम प्रूव करके रखे हैं 2a2b2 प्लस 2b2c2 प्लस 2c2 इज इक्वल टू a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4। मतलब ये तीनों एक्सप्रेशन की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाला 3 हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 प्लस ये भी हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4। ये क्या किए 1 से रिप्लेस किए, सो फ्रॉम 1 ये हम रिप्लेस किए फ्रॉम 1। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा मिला हाफ ऑफ 2a टू द पावर 4 प्लस 2b टू द पावर 4 प्लस 2c टू द पावर 4। अब अगर यहां से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा दिस इक्वल टू हाफ ऑफ, यहां से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4। अब ये हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें फाइनली मिल गया a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखे थे हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर होल स्क्वायर, वहां से स्टार्ट किए थे हम पहुंचे यहाँ तक a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4। मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो गया, देयरफॉर यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल स्क्वायर। अब अगर ये दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वल टू सेकेंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इक्वल टू थर्ड एक्सप्रेशन दैट इज दिस एक्सप्रेशन। सो हेंस प्रूव्ड, ये हो गया फाइनल। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अगर कुछ क्वेरी है देन कॉमेंट कीजिए कॉमेंट बॉक्स में, I'll try to solve that problem. Thank you very much. Thanks for watching.